गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम पढ़ेंगे पहले पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था ह्यूमन आई के बारे में, ह्यूमन ह्यूमन आई इसके बारे में पढ़ा था। इसके बारे में हम इसके डिफरेंट पार्ट्स लेवल किए थे और उनके फंक्शंस किए थे। आज हमने वहाँ पर टॉपिक इसके डिफेक्ट्स बताए थे तीन। पहला था मायोपिया, सेकंड था हाइपर मेट्रोपिया, थर्ड था प्रेसबायोपिया एंड फोर्थ था एस्टिगमेटिज्म। हाँ, सो इम्पॉर्टेंट तो पहला और दूसरे ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं जो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया से रिलेटेड ही आते हैं, पर हम बेसिक जानकारी के लिए या इन्फॉर्मेशन के लिए तो हम प्रेसबायोपिया और एस्टिगमेटिज्म भी हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। सो आज हम पहला डिफेक्ट करेंगे मायोपिया, इसको डिटेल में करेंगे हम, तो आप ध्यान से रिलैक्स होकर आप लोग कर सकते हैं मायोपिया। एक्चुअली मायोपिया इज़ द मोस्ट कॉमन डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई, मोस्ट कॉमन डिफेक्ट कह सकते हैं हम इन शॉर्ट में, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी डिफेक्ट होते हैं, जैसे हम जो चार डिफेक्ट हैं मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, एस्टिमेटिज्म, इनमें सबसे में जो ज़्यादा होता है वो क्या होता है, वो मायोपिया ही होता है। तो हम अगर इसको डिफाइन करना है तो हम कर सकते हैं मायोपिया इज दैट डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई इन विच डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी सीन क्लियरली बट नियर बाई ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली। कन्फ्यूज नहीं होना, जे कैन नॉट बी सीन है और जे कैन बी सीन है। अगर हम इसको विस्तार से डिस्कस करें तो मायोपिया ह्यूमन आई का वो डिफेक्ट होता है जिसमें हम दूर के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं दूर के, वो हमें अच्छी तरह क्लियरली दिखाई नहीं देते, पर जो नज़दीक वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमें क्लियरली नज़र आते हैं। तो अगर हम बात करें ह्यूमन आई की, देखो पहले हम इसमें लिखा हुआ है नियर बाय ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली, तो हम पहले नियर बाय ऑब्जेक्ट्स की इमेज बना देते हैं ह्यूमन आई की। जैसे ये ह्यूमन आई है, बेसिकली ऐसे बना देते हैं, ये ह्यूमन आई है और ये हमारा आई लेंस है, ठीक है। तो जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स है, हम नज़दीक बात कर रहे हैं, तो ये देखो हमें यहाँ से रेज आई और यहाँ पे इमेज बन गई यहाँ पे बीच। तो जो पास वाले, देखो ये हमारी आई है, पास वाला ये ऑब्जेक्ट है, तो ये तो रिटिना के ऊपर क्लियरली इमेज बन जाती है, तो हमें इसका कोई प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम किसकी आती है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की, हम वो करेंगे इस बार। ये हमारी ह्यूमन आई है, सेम ह्यूमन आई, ये सेम उसी तरह का लेंस हो गया। अब नज़दीक नहीं डालना हमने, कोई भी चीज़ है दूर दूर, जैसे जहाँ पे होगी तो यहाँ दूर से क्या होगा, पैरेलल रेज आ गई, पैर दूर होगी तो पैरेलल रेज ही आएंगे, नज़दीक होगी तो पैरेलल रेज नहीं आएगी, नज़दीक होगा दूर होगा तो उसको अकॉर्डिंगली पैरेलल रेज आएंगी। और क्या होता है, जो इसके बाद ना यहाँ पे ही इमेज बन जाती है, यहाँ पे देखो बाय लॉ तो हमारी इमेज जब नॉर्मल आई की इमेज कहाँ पे बनती है, यहाँ पे रेटिना पे, ये रेटिना होती है, रेटिना को हम आई की स्क्रीन भी बोल देते हैं, भी यहाँ पर इमेज बनेगी। तो देखो ये तो अब यहाँ पे बन गई, ये तो प्रॉब्लम होगी ना, इमेज जहाँ पे बननी थी बन यहाँ पे गई, तभी हमें दूर के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखाई नहीं देते। अब हम क्या करेंगे इसके, वैसे मेनली हम बोलें तो इसकी रीज़न क्या होता है, अभी यहाँ पे कॉज क्या होता है, तो एक्चुअली क्या होता है, जो हमारी नेचुरली होता है, ये जो हमारी आई बॉल होती है ना, ये वाली बाहर रही आई बॉल, ये इलांगेटेड हो जाती है। देखो इलांगेटेड मतलब डिस्टेंस दूर हो जाती है, लंबी हो जाती है, तो यहाँ पे होनी तो यहाँ बताइए थी, यहाँ पे ये इलांगेटेड होगी, ये भी एक रीज़न है, अब रीज़न हमने मेंशन करनी है, तो ड्यू टू इलांगेशन ऑफ आई वॉल, इलांगेशन ऑफ आई वॉल। देखिए ध्यान से देखिए,
यहाँ पे अगर अगर ये वाली वाई वॉल यहाँ पे बंद हो जाती तो यहाँ पे स्क्रीन आ जाती और यहाँ पे इमेज बनती जैसे यहाँ पे बनी है, पर ये लंबी होगी, तो ये एक रीजन है। और हम ये भी कह सकते हैं रिटिना के और जो आई लेंस के बीच डिस्टेंस है वो यूजुअल से ज़्यादा है, मतलब ये तो देखो रिटिना हो गया, ये आई लेंस हो गया, ये डिस्टेंस नॉर्मल है, पर इसमें हम कह सकते हैं भी रिटिना एंड आई लेंस इसमें जो डिस्टेंस होता है ये नॉर्मल से ज़्यादा है, मोर देन द नॉर्मल। सो हम कह सकते हैं इसी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ये वाले पॉइंट को, डिस्टेंस बिटवीन आई लेंस एंड रिटिना इज मोर देन यूजुअल, यूजुअल से हमें ज़्यादा है। ठीक है, आप लोगों को क्लियर हो गया इतना? तो ठीक है, अब हम इस एक्चुअली क्या होता है, हम इसकी करेक्शन कैसे करेंगे? अब हम करेंगे इसकी करेक्शन, मतलब हम ये डिफेक्ट तो हो गया, हमें दूर के दिखाई नहीं दे रहे इजिली, क्लियरली दिखाई दे, तो हम इसकी करेक्शन कैसे करेंगे? हम करेक्शन करेंगे, पहले तो हम सिंपल वही वाला आई ड्रॉ कर लेते हैं, ये आई लेंस हो गया। ठीक है, और सेम अब क्या होगा, इसकी करेक्शन कैसे होगी? यहाँ पे हम सूटेबल फोकल लेंथ का लेंस लगा लेंगे। और ये कौन सा लेंस है आप लोगों को पता होगा? कॉनकेव लेंस, ये कॉनकेव लेंस है। ठीक है, और क्या होगा अब इसके कंपैरिजन जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था, दूर के ऑब्जेक्ट से पैरेलल आएगी रेस, पैरेलल आएगी, और ये वाला लेंस होता है ना वो मतलब डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं हम इसे, कनकेव लेंस को हम कनकेव लेंस भी बोल देते हैं और डाइवर्जिंग लेंस भी बोल देते हैं। डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग का क्या मीनिंग होता है, जैसे ये नॉर्मल रेज आ गई इसे क्या होगा, डाइवर्ज कर देगा बाहर की तरफ, यह थोड़ा सा अच्छी तरह नहीं आ रही ड्राइंग, कोई बात नहीं, आप समझ लो भी जैसे रेज आ रही है उसको बाहर निकाल देगा और ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा और यहाँ पे इमेज बन जाएगी। जो ये वाला लेंस होता है कनकेव लेंस, हम उसे डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं क्योंकि ये लाइट रेज को डाइवर्ट करता है। देखो ये वाला लेंस होता है जो कन्वेक्स लेंस, जैसे हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं आपको, फॉर एग्जांपल बेसिक क्वेश्चन है कई बार आ जाता है, ये वाला होता है कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस क्या होता है, जैसे ये तीन पॉइंट आ गए, रेज आ गई, इसको कन्वर्ज कर देगा, ये सीधी आएगी, ये दोनों को अंदर मोड़ देगा, कन्वर्ज कर देगा। तो कन्वेक्स लेंस क्या हुआ, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। और कनकेव लेंस क्या हुआ, डाइवर्जिंग, बाहर निकालता है, यहाँ पे अच्छी तरह नहीं बना कोई बात नहीं, पर इसे बाहर निकाल देता है। तो आप लोगों को अंडरस्टैंड करना ये इजी होगा। ठीक है, इतना समझ आ गया ना आप लोगों को? अब हमने क्या किया, इसको कनकेव लेंस लगा दिया, उसको यहाँ पे इमेज बन गई और ये प्रॉपर इसका जो डिफेक्ट था वो ठीक हो गया। ठीक है, एंड जो इमेज थी वो रेटिना पे बन चुकी है, तो ये वाला डिफेक्ट। चलो ये तो हो गया हमारा मायोपिया, अब हम नेक्स्ट करेंगे हाइपरमेट्रोपिया। सेकंड डिफेक्ट आ गया हाइपरमेट्रोपिया। और एक बात पहले ये सुन लो आप, हम इसको क्या होता है, हम जो मायोपिया होता है उसे हम नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं, यहां पे लिख लो ब्रैकेट में नियर साइटेडनेस। नियर का मतलब नजदीक, साइटेडनेस का मतलब दिखाई देना। तो जो नजदीक के ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे मैंने बताया था वो तो इजीली दिखाई देते हैं, कैन बी सीन क्लियरली नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, तभी हम इसे मायोपिया को नियर साइटेडनेस बोलते हैं। अब बात आ गई हाइपरमेट्रोपिया की, तो हम उसके क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया को हम बोलते हैं फार साइटेडनेस। फार तो आप लोगों को पता ही है, फार का मतलब होता है दूर, साइटेड SIGHTED साइटेडनेस। ठीक है, मतलब दूर, अब इसमें क्या होगा उसके ओपोजिट है टोटली, वो नज़दीक अच्छी तरह, अब ये क्या होगा जो दूर का है वो अच्छी तरह दिखाई देगा और नज़दीक का अच्छी तरह दिखाई नहीं देगा। सो हम अब अगर हमने इसको डेफिनेशन देनी हो, डैट डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई इन विच डिस्टेंस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली
दूर के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली एंड बट नियर बाय ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी सीन क्लियरली। देखो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली, जो दूर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो तो अच्छी तरह दिखाई देते हैं, बट नियर बाय ऑब्जेक्ट्स अच्छी तरह दिखाई नहीं देते, वो क्या होता है ब्लर्ड दिखाई देते हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअली क्या होता है, जो नजदीक के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ब्लर्ड दिखाई देते हैं एंड जो फार ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्लियरली दिखाई देते हैं। सॉरी तो अब इसके भी रीज़न होते हैं, अब हम कॉज करेंगे इसके, जैसे पहले मायोपिया की थी, अब इसके कॉज करेंगे भी रीज़न क्या है। इसका रीज़न है मतलब जो आई वाल होती है, मतलब आई यूजली स्मॉलर देन नॉर्मल, जो आई वाल होती है, आई वाल इज यूजली स्मॉलर देन नॉर्मल। क्या होता है, जैसे हम डिफेक्टेड आई को, डिफेक्टेड आई देखते हैं जो हाइपरमोटर पे हॉर्मोन आई है, अब हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी ह्यूमन आई, यहाँ पे लेंस हो गया। अब हम नियर बाय की बात करेंगे, नियर बाय यहाँ पे आ गया और जब ये कन्वर्ज करेगा तो यहाँ पे नहीं इकट्ठा नहीं होगा, ये देखो डॉटेड जाके ये पे यहाँ पे बनेगा, बनना इमेज कहाँ पे बननी चाहिए थी, यहाँ पे स्क्रीन पे रेटिना पे, पर कहाँ पे बन रही है, यहाँ पे, ये तो डिफेक्ट हो गया ना। सो अगर हम अब तभी हमने कॉल बताया था आई वॉल इज यूजली स्मॉलर देन नॉर्मल, अगर नॉर्मल होती तो यहाँ पे होती ऐसे, पर ये स्मॉलर है यहाँ पे ही आ गई, ठीक है। सो ये एक मेन रीज़न है। अब इसमें क्या करेंगे हम, अगर हम इसकी करेक्शन करनी हो, बेसिकली हम जल्दी जल्दी इसको ब्रीफ में नहीं शॉर्ट में बता देते हैं, अगर हम इसकी करेक्शन करनी हो, करेक्शन में क्या होगा, ये तो हम डिफेक्ट तो डालेंगे, थोड़ी सी डायग्राम में प्रॉब्लम आ जाती है, आप इजीली समझ जाओ क्योंकि ये रफ हैंड बनाई गई है। सो क्या होगा, अब हम इसमें ना क्या करेंगे, सूटेबल फोकल लेंथ का यही वाला सेम, अब ये वाला लेंस कौन सा है आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि आई लेंस भी इसमें इसी के होता है, तो ये है कन्वेक्स लेंस, ये भी कन्वेक्स लेंस ही होता है ह्यूमन आई का। सो क्या होगा, अब देखो सेम यहाँ पे हम बनाएंगे नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, ये क्या करेगा, ये ना पैरलर कर देगा इसको, ये देखो डिस्टेंस, और फिर यहाँ पे बन जाएगा, समझ रहे हो ना आप लोग। ये देखो पहले क्या था, इतना ही डिस्टेंस इतने आगे करना था, तो ये इसके रेटिना के क्रॉस कर गया, यहाँ पे बन गई इमेज, तो अब ब्लर्ड दिखाई दिया। अब क्या हुआ, हमने सूटेबल फोकल लेंथ का जो कन्वेक्स लेंस है वो हमने आई के आगे लगा दिया, तो क्या हुआ ये वाली इसने और आपने पहले भी डिस्कस किया था ये वाला लेंस क्या होता है, कन्वर्ज लेंस है, कन्वर्ज कर लेता है रेज को, तो ये इसकी करेक्शन होगी एंड द कन्वेक्स लेंस फोकस द रेज एट करेक्ट प्लेस। तो हम कह सकते हैं ये वाला जो लेंस होता है वो फोकस द रेज ऑन द करेक्ट प्लेस। करेक्ट प्लेस क्या है यहाँ पे, करेक्ट प्लेस तो ऑफकोर्स पता ही है हमको, रेटिना ही होता है और स्क्रीन ही होती है ये वाली, ठीक है। एक्चुअली अब हमने पढ़ा है, देखो हमने मायोपिया भी पढ़ा है, मायोपिया ये वाला पढ़ा, हमने हाइपरमेट्रोपिया पढ़ा, ये टोटली क्या है, टोटली ओपोजिट है ईच अदर के, एक दूसरे के ओपोजिट है। देखो क्या मायोपिया में क्या था, जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट था वो दिखाई नहीं देता अच्छी तरह, नियर बाय ऑब्जेक्ट दिखाई देता था, कैन बी सीन क्लियरली। इसमें क्या है, जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है वो अच्छी तरह दिखाई देते हैं बट नियर बाय ऑब्जेक्ट अच्छी तरह दिखाई नहीं देता, तो ये दोनों ही एक दूसरे के ओपोजिट है, ठीक है। अब हम तीसरा डिफेक्ट कर लेते हैं, हमने ये चार डिफेक्ट किए थे, दोनों में से कौन कोई भी हम एक दूसरे कोई भी ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहले चलो हम एस्टिमेटिज्म ट्राई कर लेते हैं, वैसे दोनों ही इंपॉर्टेंट है और ये दोनों तो आप सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए या डेफिनेशन के लिए हम कर सकते हैं, तो हम जल्दी से कर लेते हैं, एस्टिमेटिज्म कर लेते हैं सबसे पहले भी, एस्टिमेटिज्म क्या होता है, थर्ड हम यहीं ख़त्म कर देंगे इस पेज पे। एस्टिगमेटिज्म, तो एस्टिगमेटिज्म क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है ना, हमें आई के बारे में पढ़ा है, तो सबसे पहले हम ये करते हैं ऐसे ऐसे आई बनाते हैं, तो ऐसे बनाते हैं मतलब, तो यहाँ पे ऑप्टिक नर्व लगा देते हैं, इसका मतलब नहीं है। देखो जो हमें पता है जो ये वाला कॉर्निया होता है, कॉर्निया आउटर कर्व्ड लेयर होता है, ज़्यादातर जो लाइट होती है यही रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, जो बाहर से लाइट आती है एंटर करती है आई में,
पर क्या होता है ना, कई बार ना जो कॉर्निया होता है भाई डिस्टॉर्टेड हो जाता है, मतलब अपनी पोजीशन से इसकी रफ पोजीशन को कई बार चेंज हो जाती है, यहाँ से थोड़ा बहुत ना जब डिस्टॉर्टेड हो जाता है एंड इरेगुलर हो जाता है। देखो ये तो कॉर्निया बिल्कुल स्मूथ होता है, तो कई बार ना डिस्टॉर्ट होके ये इरेगुलर हो जाता है, थोड़ी सी खराश हो जाती है, कैसे भी कह सकते हैं हम, अगर हम ज़्यादा रब कर लें आई को, खराश कर लें ज़्यादा, मतलब सॉफ्टली ना करें, तो ये डिस्टॉर्ट हो जाता है एंड इरेगुलर हो जाता है। तो इरेगुलर होने के कारण इस डिफेक्ट को हम क्या कह जाते हैं, दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड एस्टिज्म। बहुत इजी है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली क्या बात है, मैं दोबारा बताता हूँ, जो हमारा कॉर्निया होता है बहुत ही स्मूथ होता है, आउटर बल सरफेस होता है, पर कई बार हो जाता है ना जी इरेगुलर हो जाता है, अगर हम इसको आई को मोर स्ट्रांगली रब कर लें तो अपनी जगह से थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाता है, हम कह सकते हैं थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है, तो हम इसको ये डिफेक्ट को एस्टिमेटिज्म बोलते हैं, एस्टिगमेटिज्म। अब क्या होता है जब कोई भी पर्सन सफ़र करेगा एस्टिगमेटिज्म से, तो क्या होगा, एक्चुअली ऑल द लाइट इज़ नॉट रिफ्लेक्टेड एट वन पॉइंट, जो सारी लाइट होती है, जैसे देखो ये यहाँ से लाइट आ गई तो यह वन पॉइंट पे रिफ्लेक्ट करती है, बट अगर जहाँ पे इरेगुलर हो गया तो ये इस लाइट को वन पॉइंट पे नहीं रिफ्लेक्ट करेगा, एंड एट द सेकेंड पॉइंट कुड नॉट बी और कुड बी ऑन द रेटिना, एक से ज़्यादा पॉइंट पे रिफ्लेक्ट कर देगा, मान लो एक पॉइंट को यहाँ पे कर दिया, दूसरे को यहाँ पे नहीं कर देगा, दूर भी हो सकती है रिफ्लेक्शन, नज़दीक भी हो सकती है, इट कुड बी इन द फ्रंट एंड बिहाइंड द रेटिना। सो इससे डिफेक्ट क्या होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ब्लरी होने लग जाते हैं, ब्लरी होने लग जाते हैं, अच्छी तरह दिखाई नहीं देते। और इसका मेन रीज़न क्या है एस्टिमेटिज्म का, जब हम हमारी आईज को मोर स्ट्रॉन्गली रब कर देते हैं, रीज़न ये है रबिंग ऑफ आईज। ठीक है इतना ही काफ़ी है हमारे लिए, और हम अब थर्ड फोर्थ कर लेते हैं, प्रेस बायोपिया, जल्दी से हम इसको कंप्लीट कर देते हैं, प्रेस बायोपिया। इट इज़ एक्चुअली जब क्या होता है ना, जो ज़्यादा एज के, मतलब कह सकते हैं ओल्ड एज पर्सन को ये डिफेक्ट होता है, ओल्ड एज, क्योंकि जब एज ज़्यादा हो जाती है तो ब्लरी होने लग जाती है, मतलब हम कोई भी चीज़ देखते हैं, क्योंकि हमने हमारे बुजुर्गों को या हमारे दादा दादी को देखा होगा, वो कहते हैं हमें ब्लरी दिखाई देता है जब 60 क्रॉस कर जाते हैं, तो क्या होता है, मतलब ब्लरी चीज़ें दिखने लग जाती हैं, तो इसका रीज़न क्या है, हमने तो बेसिकली रीज़न पढ़ना है। एक्चुअली As the person becomes older, its lens decreases the power of accommodation. Its eye lens decreases the power of accommodation. Due to weakening of ciliary मसल्स। क्या होता है जब एज ज़्यादा हो जाती है तो हमारी जो आई लेंस ही फोकस करता है ना किसी भी ऑब्जेक्ट को, नियर बाय और दूर को, तो वो पावर ऑफ अकोमोडेशन डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि जो सिलरी मसल्स होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और अच्छी तरह फोकस नहीं कर पाती लेंस को, तो यही हमारा मेन रीज़न है। और आई लेंस होता है जो उसकी फ्लैक्सीबिलिटी लूज हो जाती है, कम हो जाती है, फ्लैक्सीबिलिटी ऑफ आई लेंस लूजन्स। ठीक है, और ये था प्रेस बायोपिया। अब हम एक दो पॉइंट पर हम ख़त्म कर रहे हैं, और दो पॉइंट आपको समझ आने चाहिए, एक नियर पॉइंट क्या होता है, आई का नियर पॉइंट, और एक होता है फार पॉइंट। नियर पॉइंट ह्यूमन आई का 25 सेंटीमीटर होता है, और फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी। और ये क्या होते हैं ये भी हम पढ़ लेते हैं। नियर पॉइंट नज़दीक का वो डिस्टेंस, कम से कम डिस्टेंस जब तक हम किसी भी चीज़ को साफ, मतलब डिस्टिंक्टली विजिबल देख सकते हैं। देखो हम कोई भी चीज़ को ज़्यादा क्लोज ले आएंगे, अगर 25 सेंटीमीटर से आँखों के क्लोज ले आएंगे तो हमारी आँखों पे स्ट्रेन पड़ेगा, हमारा सिरदर्द होने लगेगा और हम अच्छी तरह उसको नहीं देख सकते। तो हमारा नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है, मतलब अगर हम 25 सेंटीमीटर से नज़दीक लेकर आएंगे किसी भी चीज़ को, फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, इसको मैं आइज़ के नज़दीक ले आऊँ तो क्या होगा, आइस के नज़दीक ले आऊँ तो मेरी आइस पे असर पड़ेगा, स्ट्रेन पड़ेगा और डिफेक्ट, तभी तो हमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं हमें बहुत नज़दीक से बुक्स नहीं पढ़नी चाहिए, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। और एक होता है फार पॉइंट, मतलब कितनी दूर तक हम किसी भी चीज़ को साफ सुथरा डिस्टिंक्टली देख सकते हैं।
वो इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी इसलिए हो सकता है क्योंकि रास्ते में कोई रुकावट हो, मतलब रास्ते में कोई बॉल आ गई तो हम उसके आगे नहीं थक सकते। अगर मौसम क्लियर है, बॉल नहीं आई, तो हम दूर तक देख सकते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी, आप ज़रूर पढ़ें ध्यान से, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर के लिए वेट करिए, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।